हेलो, मैं हूं करण बजाज। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जब मैंने वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करा था तो मेरे पास तीन और आइडिया थे स्टार्टअप के, जिनके बारे में मैं इक्वली पैशनेट था और जो मुझे लगता था कि वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कैसे मल्टीपल आइडियाज जनरेट करें स्टार्टअप के फ्रॉम स्क्रैच, वो आज डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी 2022 में अपने स्टार्टअप आइडिया पे काम कर सकें। तो एक ब्रेक थ्रू स्टार्टअप आइडिया जनरेट करने के तीन स्टेप्स। पहला, रीडिंग और रिसर्च। दूसरा, पर्सनल फिट के साथ आइट्रेशन। एंड तीसरा, एक जीरो कोड, एक बहुत बेसिक प्रोटोटाइप जल्दी से तैयार करना। ये तीन स्टेप्स कोई भी कर सकता है और आप ये 30-60 डेज मैक्सिमम में तैयार कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, रीडिंग और रिसर्च। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे बैंकिंग में हैं या कंज्यूमर गुड्स में हैं या मीडिया में हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम इम्पैक्ट होता जा रहा है। तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं डिस्कवरी में था, मैं 40 ईयर्स का था, मुझे लगता था कि अभी तो ठीक हूँ, मैं एक मीडिया कंपनी का CEO हूँ, मैं अगर हर एक एक्शन देखूँ जो हम लोग कंपनी में कर रहे हैं, वो कोई भी 20-year-old कोड से शायद फास्टर और बेटर कर सकता है। तो मुझे हमेशा एक फीलिंग आता था कि मैं इरेलेवेंट होता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था। तो मैंने इंडियन यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ा, चाइनीज़ यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ा, US यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी की बुक्स पढ़ी, और उससे बहुत ज़्यादा पैटर्न्स बनते गए माइंड में कि टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं। क्योंकि चाइना में फॉर एग्जाम्पल मार्केट हमारे जैसा है, बट काफ़ी चीज़ों में वो हमसे काफ़ी अहेड है, तो उनसे काफ़ी सीखा मैं। US में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, और ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी इनोवेशन हो रहा था। तो उस सब से उस टाइम पर जब मेरा वाइट हेड जूनियर का आइडिया आया, तब तीन और आइडियाज़ आए थे मेरे दिमाग में। पहला, ये जीनोमिक्स और AI, कि क्या हम लोग एक लार्ज सैंपल ऑफ इंडियंस का जीन मैप करके उसके ऊपर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्मूला लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि लोगों का हेल्थ का कंडीशन फ्यूचर में क्या होगा। सेकेंड, फार्म टू टेबल। अगर हम लोग इनएफिशिएंसी पूरा फार्मिंग चेन के अंदर कम कर सकें, सीधा एक जो छोटे विलेज में एक फार्म है उससे फूड आ सके सीधा किसी के टेबल पे, तो वो कैसे कर सकते हैं पूरा टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई चेन फिट। एंड थर्ड, रिटेल। नेचुरल फूड्स का कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकता है कि लोग एक सब्सक्रिप्शन का पैसा दें महीने का, और उन्हें बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड्स का सिलेक्शन मिले हर कैटेगरी के अंदर। तो ये तीन आइडिया आए थे मेरे दिमाग में सेम टाइम पे जब वाइट हेड जूनियर का आइडिया आया। तो आप भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे, बस वो लिखते जाइए। एक 30 डे के पीरियड में आपके पास एक शॉर्टलिस्ट बन जाएगा ऑफ आइडियाज दैट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। दूसरा, आपका आइडिया से पर्सनल फिट। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप कोई भी स्टार्टअप करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 5 ईयर्स 24/7 एफर्ट जाएगा उस स्टार्टअप में। मेरे केस में सिर्फ 3 साल था, बट वो आप एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। ऑन एवरेज 5 साल 24/7 एफर्ट आपका स्टार्ट में जाएगा। तो क्या आप एक्साइटेड रहेंगे हर रोज उस आइडिया को अटैक करने के लिए? इसको आंसर करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्लो का। वो ये कहता है कि वर्क इज गुड फॉर यू जब आपके इंस्टिंक्ट के साथ हो वो, और दूसरा चैलेंजिंग है बट इतना चैलेंजिंग नहीं है कि आपको ब्रेक कर दे पूरी तरह। तो हमेशा काम ऐसा ढूंढिए जो आपके लिए चैलेंजिंग है बट ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचाए। एंड सेकंड, आपका इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है, आपका टेंडेंसी स्ट्रांग है उस वर्क के लिए। तो जब मैंने ये आइडियाज़ अपने लेंस से देखे, तो पहला आइडिया जीनोमिक्स और AI का डेफिनेटली मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, बट क्या वो चैलेंज बहुत ज़्यादा होगा? क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, टेक के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, और यहाँ दोनों चीज़ें कंबाइन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वो मेरे फ्लो के रेंज से थोड़ा बाहर होगा, तो मैंने रिजेक्ट करा। सेकेंड आइडिया जो था वो ये कि फार्म टू टेबल वाला, अगेन मुझे लगा कि मैं एग्रीकल्चर थोड़ा समझ सकता हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ, तो ये एडिकेटली चैलेंजिंग है, बट अगर मैं दिल से देखूँ तो मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट और पैशन नहीं था उस एरिया के बारे में। फिर ऑब्वियसली जब वाइट हेड जूनियर का आइडिया आया तो वो दोनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा था। एक लेवल पे ऑब्वियसली चैलेंजिंग था एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, और मेरे लिए दोनों फील्ड्स काफ़ी हद तक नए थे, पर एक लेवल पे मेरा इंस्टिंक्ट स्ट्रांग था, क्योंकि मेरे बच्चे सेम एज पे थे, 6 और 4, एंड मैं चाहता था कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाऊँ तो मैं उसका पहला यूज़र खुद बनूँ, और सिंस मेरे बच्चे उस एज के थे, मुझे पता था मैं पहला यूज़र खुद बनूंगा। तो मुझे लगा ये फिट मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट आपने आइडिया शॉर्टलिस्ट करे, फिर उसको इस फिट के साथ आइट्रेट करा, एंड यू आर रेडी टू शॉर्टलिस्ट दैट वन आइडिया दैट यू विल वर्क ऑन। और तीसरा और फाइनल स्टेप, एक बहुत बेसिक जीरो कोड प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। इसको तैयार करने में मैक्सिमम 2 से 4 हफ्ते लगते हैं,
वाइट हैंड जूनियर के केस में जैसे ही मेरे दिमाग में आया था ये आइडिया कोडिंग फॉर किड्स, तो इमिजिएटली मैंने अपवर्क पे एक डिज़ाइनर ढूंढ कर एक बहुत बेसिक वेबसाइट तैयार करी। उसको करने में मुझे मुश्किल से 3 या 4 दिन लगे। एक टीचर के साथ टाई अप करके स्टूडेंट्स को कोडिंग के क्लासेस दिए अपने पर्सनल फेसबुक पेज पे एडवर्टाइज करके। ये पूरा बेसिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 हफ्ते लगे और इमिजिएटली उन 2 हफ्तों के बाद मैंने वो लॉन्च कर दिया। उसके बाद मुझे अपना पहला पेइंग कस्टमर मिला। जैसे ही पहला पेइंग कस्टमर मिला मुझे पता था कि मैं ये कैटेगरी बना सकता हूँ। तो आप भी एक बहुत बेसिक 0 कोड प्रोटोटाइप तैयार कीजिए अपना सिंपलेस्ट वर्जन प्रोडक्ट का और उसको मार्केट में डालिए। एंड अगर पहला आपको पेइंग कस्टमर मिलता है तो आपको एक कॉन्फिडेंटली आप ये मान सकते हैं कि आप एक कैटेगरी बना सकते हैं। सो बस ये 3 स्टेप, रीड रिसर्च, 2nd आइडिया को अपने आप से फिट से चेक कीजिए, 3rd एक बहुत बेसिक प्रोटोटाइप तैयार करके अपना पहला पेइंग कस्टमर ले आइए। अगर ये आपने कर दिया तो आप स्टार्टअप बनाने के लिए तैयार हैं। मेरा ये स्टार्टअप प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने फंडिंग कैसे रेस करना है इसे लेके क्या माइंडसेट चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को वो पूरा कवर करा है, वो डेफिनेटली चेक कीजिए। और कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में वो मुझे लिखिए ताकि मैं अगले वीडियोस में आंसर कर सकूं। मैं हूं करण बजाज, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।